24 घंटे में 507 मौतें और लगभग 19,000 कोरोना मरीज मिले। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 5,85,000 के पार हुई। असम में बाढ़ प्रभावितों की संख्या 15,00,000 के करीब पहुंची। अब तक 27 मौतें, राहत शिविरों की संख्या 265 हुई। पिछले साल आतंकवाद से मुक्त घोषित बारामूला जिले में फिर आतंकी हमला। एक सीआरपीएफ जवान समेत 2 की मौत, 2 जवानों की हालत नाजुक। बिहार में एक बार फिर आकाशीय बिजली गिरी, 5 जिलों में 11 लोगों की मौत। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के विरोध के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में जारी बढ़ोतरी थमी, दूसरे दिन भी नहीं बढ़ा दाम। इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास में तैनात कई भारतीय अफसर परिवार समेत वापस लौटे, सरकार ने 50% स्टाफ कम करने का किया था ऐलान। नेपाल की राजनीति में सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी में घमासान, पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड से टकराव के बाद पीएम केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। संक्रामक बीमारियों के अमेरिकी विशेषज्ञ एंथनी फाउची की चेतावनी, कहा अगर एहतियात नहीं बरता तो अमेरिका में हर दिन मिलेंगे 1,00,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। और ईरान की राजधानी तेहरान की एक क्लिनिक में गैस लीक के बाद जोरदार धमाका, अब तक 19 लोगों की मौत।